नवरात्र में तेल का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो क्या करें, घी का दीपक अगर आप जला रहे हैं तो क्या करें, और जो लोग अखंड दीपक जला रहे हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, दीपक तो अनुष्ठान में, पूजा में, पाठ में दो जलाए ही जाते हैं, एक दीपक सरसों के तेल का और एक दीपक गाय के घी का। ये दो दीपक जलाने का हमारे शास्त्रों में महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ आप दीपक जलाएंगे वहाँ थोड़ी सी चावल की ढेरी बना करके उसी पर दीपक रखेंगे, सीधे जमीन पर या फर्श पर दीपक नहीं रखे जाएंगे, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। नवरात्र में तेल का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें, घी का दीपक जला रहे हैं तो क्या करें, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। नवरात्र में घी का दीपक माँ दुर्गा के दाएं हाथ और साधक के बाएं हाथ की तरफ प्रज्वलित करना चाहिए, और तिल के तेल का दिया माँ दुर्गा के बाएं हाथ और साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखें। घी के दीपक में खड़ी रुई की बत्ती लगानी चाहिए, जबकि तिल के तेल के या सरसों के तेल के दिए में कलावे वाली बत्ती लेटा करके जलानी चाहिए। घी का दीपक पूजा पाठ करने के लिए जरूरी है। सरसों के तेल या तिल का दीपक किसी खास मनोकामना के लिए जलाया जाता है। घर में दीपक जलाने से मकान का अग्निकोण मजबूत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ऐसा करना भी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।